देवर जी। क्या भाभी जी? आज आपसे जरूरी पड़ गया, इसलिए मैं आपको बंगले पर से रंग महल में बुलवाई हूँ। सुनिए भाभी जी, परलो तुहरा के आज से करा के हलिया भाभी दे दाजी बताए, आज से करा के हलिया भाभी दे देहू बताए। अका बने जरूरी अजी भाभी भाभी जी। देवर जी ये बताइए, भाभी जी। अरे द्वार में मेरा भारी लगा हुआ है, इसने मेरा बेटा इंदल को दिन में लालसा है कि माँ मैं जब भी जाऊंगा तो हरिद्वार में मेला मैं घूमूंगा, इसलिए मेरे बेटा इंदल को आप हरिद्वार को मेला घुमा दीजिए देवर जी। नहीं नहीं भाभी जी, हरिद्वार मेला की बात करते हैं तो हरिद्वार की बात छोड़िए। क्यों नहीं देवर? और मेरा बात मानिए, सुनिए भाभी जी। क्या देवर जी? आवन हरा खतवा देवो भाभी जी। क्या देवर जी? आवा हरिद्वार मेला से। क्या भाभी जी? जब भी बेटा इंदल के दिल में शौक लग गया है तो मैं नहर खतवा दूंगा राज मोहब्बत तकला। ए हरिद्वार मेला से बेटा इंदल
ये राज भवन में बैठ के स्नान करेगा। हर द्वार में लवा से क्या देवर जी आरे मोहरा में बेटा इंदल भाभी जी करत नया स्नान। आज मोहरा में बैठी बेटा इंदल करतो जी स्नान। नहरा खताई जी देवो जी। ए हरिद्वार मेला से भैया जी से कहकर मैं वादा करता हूं कि राज मोहब्बत तक मैं नहर खतवा दूंगा और बेटा इंदल बैठकर ये राज मोहब्बत में स्नान करेगा। क्या देवर जी ये हरिद्वार से आप राज मोहब्बत तक नहर खतवा दीजिएगा, तालाब बना दीजिएगा, तो स्नान करने से क्या मेरा बेटा को दिल पूरा हो जाएगा? हाँ हाँ भाभी जी। नहीं नहीं देवर जी, आप भी जिद पकड़े हुए। मेला बाजे घुमा दा देवर जी वे क्या भाभी जी बेटा खूब अरे द्वार में आप स्नान कराकर उसे मीना घुमा दीजिए देवर जी, मैं यही कहना चाहती हूँ। भाभी जी आप जानबूझकर भी ये बात बोल रहे हैं तो सुनिए। क्या देवर जी आरे चारों कोना पर भाभी हेलो आजी दुश्मन जी बासो आज बिचारा में पड़ा हो भाभी जी महाबिया के जिराज आज बासो दुश्मन जी भाभी महावीर आज
क्यों नहीं जानता है कि राज महाबा के दुश्मन ए चारों कोना पर बसता है। ये सब बातों की जिद छोड़ दीजिए। हे देवर जी, तो आपको चारों दिशा में नाम है, आप तो वीर बलवान है, फिर भी छत्री होकर एकाएक तरह बातें करते हैं जो मुझे शोभा नहीं देता। भाभी जी, ते में लाख उपाय मुझे कहेगी, लेकिन बेटा इंदल के ए हरिद्वार मिला नहीं, स्नान कभी नहीं करा सकता हूँ। सुने देवर जी, बहादुर ये कौन नहीं जानता है कि राज महबा के दुश्मन ये चारों कोना पर बसता है। हमारा दुश्मन से कौन मतलब है, हमारा स्नान करना है, खुशी पूर्वक से स्नान करना है, तो कौन दिक्कत है। बहादुर ये दिक्कत तो कुछ नहीं है, और देश विदेश के ये राजा जान जाएगा कि रुदल ये राज महबा से बेटा इंदल के स्नान कराने के लिए गया है, तो क्या कहेगा। ए हो सकता है कि लड़ाई भी हो सकता है मेला में, हो सकता है कि नहीं रहेंगे, तो राजमहबा में हमारा दुश्मन चढ़ाई भी कर सकता है, इसलिए मैं इनकार करता हूँ भाभी जी, ए हरिद्वार मेला नहीं जा सकता हूँ। सुनिए देवर जी, शादी करने के लिए अपने भैया जी को, तो आधी में सी रात में आप चोर के भांति मुझे खिड़की द्वारे अमर ढोल को भेद नहीं बताती मैं, तो अमर ढोल नहीं फूटता, तो आप मुझे शादी कर राज मुहबे नहीं लाते। उसी समय आधी में सी रात में वादा किए हैं कि भाभी जो ऐसा काम पड़ जाएगा मैं राज मुहबे में चलेगी भाभी, तो मैं उस काम को मैं पूरा करूंगा। तो उसी बात को मैं कह रही हूँ कि बेटा एक इंदल को छोटा सा काम है, हरिद्वार में स्नान कराना, वो करवा दीजिए। क्या आप दूसरों से डरते हैं शक्ति के मिला। सुनिए भाभी जी, साड़ी चूड़ी पहना के देवर जी आज बैठरा हम पेट के करे हरी
लाड़ी छोड़ी पहलू के देवर। ए देवर जी तोहरा के दुश्मन से डर लगता तो साड़ी चूड़ी पहन के राजभवन में बैठा हाथ के तेगा सारी पोशाक दे दीजिए। लेकिन देवर जी मैं रुदल बन को अपने बेटा को हरिद्वार स्नान कराऊंगा और मेला घुमा। एगो बात कहियो अंगुरिया ने करू तो क्या है रे? अरे ले ले बहुत मार मारेंगे बेटे चिंता है तू ना। सुनी देवर जी चूड़ी पहन के बैठ जेबू ताई होली के महीना रहलवा। ए देवर जी बाबू आ रुदल बाबू आ सुन ली हा हमरे से सुंदर बन के बैठ जाई बुरानी सोनानियन त देवर सुनला हमारी जी दिन के बात अच्छा कस रहिया देवर जी तू अपन हो जी भैया से सुन ला ध्यान से मैं सुन रहा हूँ। आना तो हमारे समाज के ए भैया धर ले थुनिया का चाहू कहाँ सर ही आज दे बराया भाभी जी तो हमारा इन साड़ी चोली तो पहन ले वो सुंदर तो बन ही जेबू लेकिन भैया से चौकस रही है कि होली में तू बचले रही है। भाभी जी सुन लग अरे दिल लगे हमारा बात आज डरावा जला दो भाभी भैया यल्हा से क्या क्या है देवर जी आज डरा जला गो भाभी जी आबा भैया यल्हा से आज हवा काहे सरबती भाभी बोला लाजी हवा आज कहे सरबतिया भाभी बोला लाजी हमार आज मनी जा कहानी आज से बात आप बोलती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप जानते हैं नहीं क्या बार बार मैंने समझा रहा हूं कि राज महाबा के दुश्मन कोने पर कोने पर बैठता नहीं देवर जी लेकिन आप मानते हैं नहीं भाभी जी। इसका मतलब राज महमे के बाले के तन में खून ही पानी है। होली होली
होली खेले में तेज है खुल खोली होली खेले में। अरे सोनी जी भाभी छतरी कहाँ रहे? जब ऐसा बात बोलते हैं तो आप जानते हैं क्या ए लड़न भिड़न के रुदल जलमा ईरा टन के वीर मलखान बैस बेटा है सहियत के कि जिनकर घर में 3 लाख तलवार। क्या क्या मर गए ताना सैयद ने? क्या मर गए ताना सैयद ने? क्या देवर जी आपको तेगा ने घूल लग गया जो मेरा बेटा को स्नान करने से आप डरते हैं? नहीं ताला सैयद मरे हैं बीमार हकीन। अरे ना मरल खिले तो बेराम कहाँ पर बहुत पिटा पिटाई करेंगे बेटा सोच लो तुम। बैठो अरे बैठो तुम बैठो सर बोले। अरे बैठो करा बैठो सारे भाभी जी क्या आब करा दे भैया सना नवा भाभी आब बेटा इंदल के हम हूं भाभी जी क्या देवर जी आज करा देबो असना नवा भाभी आज ही हर दुआर में लवा में आर बेटा ही नलके करीब हम असना करा देव हर दुआर में स्नान अम्मा न जा बचनी आज भाभी आज हमारा के भाभी जी मैं वादा करता हूं कि बेटा इंदल के हर द्वार मेला में जाकर मैं स्नान करा दूंगा। ठीक है देवर जी मैं यही जानती थी कि जब तक बेटा इंदल को आप हर द्वार मेला नहीं घुमा सकते स्नान नहीं करा सकते तो कोई नहीं करा सकता। होली में कत भौजी के बहुत न मानते फगुआ इसी राजती बाप करिया झूठ न तोरा ना कहियो जी ना मालिक अगर भैया अपने के ना कही मालिक परंपरा का है ये सब के कि जे देवर होली में भौजाई के बहुत ना मनल को ओकर फगुआ इसी रह गलो दुख ना मानिया हो सका कि पुआ पूरी और ना मिलती ता मालिक वही चल। ठीक है भाभी जी मैं जा रहा हूँ राज बंगले पर और भैया सरदार जी से कहकर मैं हर द्वार मेला में बेटा इंदल के स्नान अवश्य करा दूंगा। ठीक है देवर जी जाइए और भैया जी से हुकुम मांगकर बेटा को हर द्वार मेले में स्नान करा दीजिएगा। कहे के मतलब होले कि तोरा से ले ले खून अब भैया के जा खून लेवे भौजी के बतिया ले लू ना भाभी के बात मैंने माना। हाँ बतिया ले लू ना बतिया हाँ। ले लू ना हाँ। अब जाके भैया से लेवे जाहू बतिया कौची कहा आखिन ना का आखिन तो वही हो ली आओ कि भौजी से भौजी के ले लिए तो भैया के जही लेवे बहुत मार मारेंगे बहादुर जहाँ के हमरा दिशा होवे लगो हो माली बहादुर दावा खा लेना गोली टैबलेट खा लो चल हाँ भाभी जी भाभी के प्रणाम कर खुश रही
हेलो।